हाय दोस्तों, मैं हूँ आशीष तोमर और आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट सिस्टम के बारे में, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट सिस्टम चेंज कर दिया है। वो कर दिया है 60 से 65, क्योंकि पहले था 60, अभी उसको बढ़ा के 1 जुलाई से वो कर दिया है उन्होंने 65। और कौन कौन सी सब क्लास उसमें इफेक्ट होगा, कौन कौन सी सब क्लास पे, और जिन्होंने उसमें फाइल लोड कर दिया 1 जुलाई से पहले, या जिनका इन्विटेशन आ चुका है या जिनका इन्विटेशन नहीं आया, आना बाकी है, उनको पैनिक होने की जरूरत है या नहीं है, वो आगे बताता हूँ आपको। अभी आप इस वीडियो पूरा देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है पूरी। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखते रहिए कि आपका कौन सी सब क्लास में है, आपका उससे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो चलो फिर देखते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का इन्विटेशन आ चुका है 1 जुलाई से पहले, तो उनको जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, उन्हें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैनिक होने की किन लोगों को जरूरत है? जिनका इनविटेशन 1 जुलाई के बाद आएगा, और उन लोगों की भी ज्यादा आवश्यकता पैनिक होने की नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि किस किस स्किल्स पे और किस किस एजुकेशन के बिहाव पे इम्पैक्ट करेगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, उससे पहले हम सब क्लास की 189 सब क्लास, 190 सब क्लास और 489 सब क्लास, इन तीनों पे इम्पैक्ट होएगा 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, कौन सी स्किल्स है, क्या एजुकेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ, देखते रहिए। दोस्तों, सबसे जो पैनिक होने वाली बात है वो है जिन्होंने डिप्लोमा किया है एकदम 12th के बाद, जिन्होंने सीधा 12th के बाद डिप्लोमा कर लिया, सबसे ज्यादा पैनिक होने की बात, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन लोगों को करेगा जिनके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, मास्टर डिग्री नहीं है, और उन्होंने 12th के बाद सीधा डिप्लोमा किया है, तो उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ये। और दूसरी बात है, जिन लोगों ने मास्टर डिग्री की है, बैचलर किया है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे 12th के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री है, मास्टर के बाद उनके पास कोई भी ट्रेड है या आईटी स्किल्स है, तो उनको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इम्पैक्ट करेगा, लेकिन कहाँ कहाँ करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको सिस्टम की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसको, क्योंकि ये लिस्ट है पूरी जो मैंने तैयार की हुई है, तो ये मैं आपको सिस्टम पे दिखा देता हूँ पूरी और समझा देता हूँ। तो चलो अभी चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको स्क्रीन पे पूरा समझा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पूरा चार्ट बनाया है, एक लिस्ट बनाई है, तो देखते हैं वन बाय वन। पहला है हमारा डिप्लोमा स्किल्स, दूसरा है हमारा बैचलर एंड मास्टर, एंड तीसरा है बैचलर मास्टर प्लस ट्रेड। तो हम डिप्लोमा स्किल्स को देखते हैं पहले। अभी आप सपोज लीजिए, अगर आपको 25 से 30 के बीच में एज में, तो आपको मिलेंगे 30 नंबर, डिप्लोमा के हो गए आपके 10 नंबर, और उसके साथ में अगर आपकी 2 ईयर एजुकेशन होगी तो 5 नंबर, टोटल हो गए आपके 45। देन अगर आपके पास में जॉब रेडी प्रोग्राम है तो उसके 5 नंबर हो गए, तो 5 नंबर होने के बाद में टोटल हो गए आपके 50। देन अब आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आइल्स के लिए, आयल्स में आपको 7 ईच लेकर ही आने हैं, तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। 10 नंबर मिलने के बाद में 50 आपके पहले हो चुके हैं, 10 नंबर इसमें हो जाएंगे आयल्स में, टोटल हो जाएगा आपका 60 में होने के बाद भी, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि ऑस्ट्रेलिया 60 से मिनिमम रिक्वायरमेंट कर दी है 65 के लिए, तो आप 189 में तो तब भी नहीं जा पाएंगे, आपके लिए बचा 190। 189 में आप जा नहीं सकते, तो आपके पास बचा सिर्फ 190, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको जाना है 190 में, तो उसके बाद भी जो एक लिस्ट इनकी अभी 1 जुलाई को अभी एक लिस्ट निकलेगी, ठीक है, ऑक्यूपेशन लिस्ट, अगर आप उसमें है तो उसके बाद आपके चांस बन सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, कि अगर इसमें आपकी एज 30 से ऊपर है, 33 है, तो आपको और 5 नंबर कम हो जाएंगे, तो जो टोटल आपके इसमें 60 है तो रह जाएंगे 55।
तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर उन डिप्लोमा स्किल्स वालों के लिए। तो अभी चलते हैं बैचलर एंड मास्टर पे, सेम इसी हिसाब से ले लेते हैं हम। 25 से 30 में अगर आपकी एज है तो उसके हो गए 30 नंबर, बैचलर मास्टर डिग्री है 15 नंबर, 2 ईयर एजुकेशन है तो 5 नंबर, इसके तो टोटल हो गए 50। देन अगर आपके पास में प्रोफेशनल ईयर है तो उसके हो गए आपके 5 नंबर, तो टोटल हो गए 55। सेम आइल्स में अगर आप लेके आ रहे हो 7 ईच तो 10 नंबर उसके हो गए, तो टोटल हो गए आपके 65। तो 65 में बैचलर और मास्टर वालों के लिए अभी चांस है कि वो 189 और 190 में दोनों में जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप लोगों के भी अगर 5 नंबर कम रहते हैं तो भी आपके 60 है, ठीक है। 60 में अगर आपको कोई नॉमिनेशन लेता है कोई स्टेट तो 5 नंबर उसमें मिल जाएंगे। तो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा बैचलर एंड मास्टर को जितना डिप्लोमा स्किल्स को करेगा। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं बैचलर मास्टर प्लस ट्रेड वालों के साथ में, जिन्होंने बैचलर डिग्री के बाद या मास्टर डिग्री के बाद में ट्रेड लिया है और ये ट्रेड स्किल है उनके पास में। तो अभी सीधा देखते हैं इनको भी, सेम वही एज के हो गए इनके 30, और डिप्लोमा और बैचलर मास्टर प्लस ट्रेड लगा लीजिए उसके 20 हो गए, तो सीधा हो गया इनका 50 यहाँ पे। उसके बाद में अगर इनके पास में है जॉब रेडी प्रोग्राम तो उसके हो गए 5 नंबर, तो टोटल हो गए 55। देन आइल्स में हो गए इनके 10 नंबर, तो सीधा हो गया 65। तो जहाँ तक ये अभी जो पिछला अभी इन्होंने इनविटेशन भेज रही थी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका इतनी बार कि वो 70 पे भेज रही थी, मिनिमम 70 क्या हुआ था ना रिक्वायरमेंट। तो लेकिन अभी अगर इन्होंने थोड़ा कंपटीशन हार्ड कर दिया तो जहाँ तक ये अभी चांस है वो 65 पे भेजेगा। तो इन दोनों को बैचलर मास्टर प्लस ट्रेड वालों को इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया है आपने पूरा समझ लिया होगा किस किस स्किल्स में किस किस एजुकेशन के व्याप पे किस किस को इम्पैक्ट करेगा, किस किस को पैनिक होने की आवश्यकता है वो आपने देख लिया होगा। सबसे ज्यादा पैनिक वो लोग होंगे जिनके पास 12th के बाद सीधा डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन नहीं है, मास्टर नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट करता है वो करता है ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री वालों को, ज्यादा नहीं है ना वो, बस थोड़ा है आपने देखा होगा। उसके बाद में फिर मास्टर ग्रेजुएशन और जिनके पास आईटी और ट्रेड स्किल्स है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो उनके लिए ना के बराबर है। लेकिन जो पहली मैंने कैटेगरी दिखाई है 12th और डिप्लोमा वाले, तो उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको अपनी आइल्स में स्कोर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद भी चांस बनते हैं थोड़े बहुत, नहीं तो बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को समझा दूं, क्योंकि बहुत सबके दिमाग में रहता है कि कैसे पॉइंट इन्होंने इंक्रीज कर दिए, कैसे कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, शायद आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी ये नया चैनल बनाया है, तो ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिल सके और सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अभी इसी के साथ मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, बाय, सलाम, जय हिंद।